तो फ्रेंड्स आप ये जो हुंडई की एसेंट देख सकते हैं, इसकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो रखी है। तो अपन अपनी अर्टिगा से इसको स्टार्ट करेंगे, आज आपके सामने मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आपको गाड़ी, जैसे कि आपकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, गाड़ी का सेल्फ काम नहीं करता, तो उस टाइम पे आपको गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है। इसमें बहुत बार क्या होता है कि अपन से जो है हेडलाइट या फिर कोई सी भी लाइट ऑन रह जाती है पूरी रात, तो गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे में आप मैकेनिक को बुलाते हैं या फिर उससे वो बैटरी चार्ज करवाते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो पाती है। तो आपको ये सब नहीं करना है। मान लीजिए आप कहीं सुनसान जगह पे हैं, कहीं हाईवे पे हैं, तो आप दूसरी गाड़ी की मदद से आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हम दिल्ली गए थे, तो वहाँ पे एक इनोवा गाड़ी जिसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो रखी थी, रात को 11 बज रखे थे, तो उनको भी बहुत दूर जाना था, तो हमने उनकी हेल्प की, तो उनकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज थी। तो आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं, कुछ ऐसा सीन था वहाँ पे। काफी सारे ट्रक जा रहे थे, हाईवे था पूरा, तो और कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, तो हमने उनकी हेल्प की और फाइनली उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी की बैटरी यूज करके उस गाड़ी को स्टार्ट किया, बिना बैटरी को खोले हमने ऐसे हेल्प की इनकी। तो आज मैं आपको भी बताऊंगा, बहुत बार क्या होता है कि अपन से जो है हेडलाइट या फिर कोई सी भी लाइट ऑन रह जाती है पूरी रात, तो गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे में आप मैकेनिक को बुलाते हैं या फिर उससे वो बैटरी चार्ज करवाते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो पाती है। तो आप दूसरी गाड़ी की मदद से आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी की बैटरी किसी भी वजह से, आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट ऑन रह गई या फिर अंदर का डिस्प्ले कुछ भी ऑन रह गया, तो उसकी वजह से काफी बार जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो अपन को बहुत दिक्कत आती है, मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। इसका जो अल्टरनेटर होता है जिसमें कि बिजली बनती है, वो भी काम तभी करेगा जब गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाए। एक बार गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है, उसके बाद अल्टरनेटर जो है गाड़ी की बैटरी को फिर से चार्ज कर देगा। तो अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है पहले वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा। आप ये जो हुंडई की एसेंट देख सकते हैं, इसकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो रखी है। तो अपन अपनी अर्टिगा से इसको स्टार्ट करेंगे, आज आपके सामने मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। तो पहले आपको अल्टरनेटर दिखाता हूँ कहाँ पे और कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंजन होता है, और ये जो फैन बेल्ट लगाया जो नीचे दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा ये अल्टरनेटर है। दोस्तों अल्टरनेटर क्या करता है, जब अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है तो अल्टरनेटर गाड़ी को एसी करंट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से जो एक और डिवाइस लगी होती है वो उसको डीसी में कन्वर्ट करती है, क्योंकि अपनी गाड़ी सीधा एसी करंट नहीं लेती है अपनी गाड़ी की बैटरी, तो वो जो अल्टरनेटर एसी करंट लेता है, उसके बाद जो दूसरी डिवाइस लगी रहती है वो उसको डीसी में चेंज करती है और अपनी बैटरी को देती है। तो इस तरह से अल्टरनेटर काम करता है गाड़ी में। इसके सामने अपने को गाड़ी लगानी है, तो यहाँ पे मैं गाड़ी लेके आता हूँ पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। गाड़ी की बैटरी की पावर है वो इस बैटरी में देंगे ताकि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए। इस गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, तो अपन जो है बैटरी का अपनी बैटरी का पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव से, तो इस गाड़ी की जो पावर है बैटरी की वो इसमें चली जाएगी और गाड़ी का जब अपन सेल्फ मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन को पावर इसमें ले जानी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी यहाँ पे है, फिर उसकी बैटरी उस गाड़ी को थोड़ा उधर लगाएंगे ताकि वायर अपन को छोटा से छोटा चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास डबल वायर है, अपन इसको सिंगल के रूप में काम में लेंगे। एक मेरे पास ये तार है, तो अपन इसको मिला लेंगे और इसका एक तार बना लेंगे। अपन को तार थोड़ा मोटा चाहिए और एक तार ये ले लेंगे, तो ये वाला वायर, ये जैसे कि अपन दो तार हो गए, अपन इनको मिला लेंगे आपस में और ये ऐसे दो तार हो जाएंगे। बैटरी का करंट प्रॉपर इसको गाड़ी को मिले इसलिए थोड़ा
भारी तार लेना जरूरी है, तो अपन इन वायर को एक कर लेंगे और इस तरह इस वायर को भी एक कर लेना है। तो अपन ये दोनों तारों को मिला के एक कर लिया है और इसको नेगेटिव में डाल दिया है और इस तार को अपन पॉजिटिव में लगा देंगे यहाँ पे अपनी गाड़ी में। ध्यान रखना है नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही, और आपको वायर थोड़ा भारी ले लेना है, हैवी तार होना चाहिए तभी गाड़ी का करंट जो प्रॉपर पहुंच पाएगा और जो डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए। जो हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, चलिए अब मैं सेल्फ मार के देखता हूँ। अपन करंट दे रहे हैं उस गाड़ी को भी आग एक बार के लिए स्टार्ट रख लें, क्योंकि आपकी गाड़ी की यदि बैटरी कम है तो आपकी वाली गाड़ी भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप अपनी गाड़ी को एक बार स्टार्ट रख लीजिए जो जिस गाड़ी में बैटरी है पहले से, और जिसको स्टार्ट करना है उसको भी स्टार्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको स्टार्ट रखना है, ताकि जो है अल्टरनेटर वो गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर दे। बहुत बार होता है कि आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, आपकी गाड़ी का आप ध्यान नहीं देते तो जो हेडलाइट वगैरह ऑन रह जाती है, तो आपकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। और आपको यही तरीका यूज करना है, आपको मैकेनिक की जरूरत नहीं है, आपको बस दो तार लेने हैं, लेकिन दो तार थोड़ी हैवी होनी चाहिए वो वायर, या तो आप उसको डबल ट्रिपल कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। करंट एक बार में नहीं जा रहा है तो आप उसको ज्यादा अच्छे से लगाइए, उसको वायर को जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है उसके ऊपर वायर अच्छे से नहीं लगा होता, कई बार स्टार्ट नहीं होती उस कंडीशन में, तो आपको अच्छे से लगा लेना है तब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह आप किसी भी सिचुएशन में गाड़ी, आप कहीं भी हो, घर पे हो, कहीं बाहर हो, तो आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं दूसरी गाड़ी की हेल्प लेके। तो मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए बनाया था कि आपकी हेल्प हो सके और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। आप पे डिपेंड करता है, आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। आगे आपकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत आए या फिर कोई दूसरे की गाड़ी आपको ऐसे बंद पड़ी मिले तो आप स्टार्ट कर सको उसको, आप उसकी हेल्प कर सको और आप खुद की गाड़ी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।